लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। हेलो, क्या ये क्या बोल रहे हो? अब लगता है मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। मुझे सब पता चल चुका है कि ये सब किसने करवाया है और किन किन लोगों का हाथ है इसमें। आर्यन, मुझे आर्यन का सपना आया अभी। क्या वो यहीं कहीं पास में है? माँ जी, माँ जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही? माँ जी, मुझे अभी अभी आर्यन जी का सपना आया। ऐसा लगा जैसे वो यहीं कहीं पास में हैं और मुझे याद कर रहे हैं। बकवास बंद कर। तेरे वजह से मेरा बेटा आज तक लापता है और आज तू उसके बच्चे को भी खा गई। अब आकर मेरे सामने अच्छी बनने की नाटक कर रही है। माँ जी, जा, चली जा मेरे नजरों से। मेरे बेटे की निशानी को तो मिटा दी, अब तू क्यों इस घर में पड़ी हुई है? अपनी मायके क्यों नहीं चली जाती? बिंदु, क्यों बेचारी बहू के पीछे पड़ी हो? जाओ बहू, जाओ अपने कमरे में जाओ। आप हमेशा बीच में क्यों चले आते हो? मैं इस अंतरा को हरगिज इस घर में रहने नहीं दूंगी। बच्चा तो पेट में अब नहीं रहा, फिर ये किस बहाने पड़ी हुई है इस घर में? आज नहीं तो कल मैं इसे फिर से धक्का मार के निकाल दूंगी यहाँ से। जो करना है करो, अब मैं नहीं रोकूंगा। पर एक बात याद रखना बिंदु, अगर बाद में तुम्हें पछतावा हुआ तो मेरे पास रोते हुए मत आ जाना। चाची जी, आपने जो सोचा एकदम सही सोचा। वो अपना बच्चा तो खो दी है। कल को अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो क्या उसे बर्दाश्त होगा? नहीं ना, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अब इस घर में वो किसी की भी खुशी बर्दाश्त नहीं करेगी। बेहतर होगा अगर आप उसे यहाँ से। हाँ, मैं उसे जरूर यहाँ से निकाल दूंगी। अब उसका इस घर में क्या काम? असली खेल तो अब मैं खेल रही हूँ अनिका। आगे आगे देख क्या क्या करती हूँ। और हाँ दीदी, तुमने सही टाइम पे सही प्लान बना लिया। नहीं तो सोनिया दीदी, बाप रे बाप, वो इस हद तक गिर सकती है। आई कैन बिलीव इट। इस सब के बीच मुझे बस आर्यन का इंतजार है। पता नहीं कब आएंगे वो। सब ठीक हो जाएगा दीदी, हिम्मत रखो थोड़ा। क्या बात है सोनिया, आजकल बहुत खुश दिखती हो। समीर जी, मैं ना ये सोच रही थी कि अब हमें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए। फैमिली प्लानिंग क्यों और अब क्यों? मेरा भाई गायब है, इसी वजह से घर पे हर कोई परेशान बैठा है, और तुम हो कि फैमिली प्लानिंग के बारे में बार बार बोलती जा रही हो मुझे। भाई? कौन सा भाई? चचेरा भाई है वो। आपका अपना सगा भाई नहीं है जो उसके लिए हम सब बैठ के मातंग मनाएंगे? सोनिया, भाई, आर्यन, तुम सच में आए हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हे भगवान, माँ जी। अंतरा, आर्यन, बेटा, मेरा बेटा आर्यन वापस आ गया। अजी सुन रहे हैं? बेटा, क्या हुआ था? चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ हमें, कहाँ गायब हो गए थे तुम? आर्यन जी, आप यहाँ पे? कब आए? सोनिया भाभी, आपको नहीं लगता कि अब आपका ये नाटक काम नहीं करने वाला? मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब यही कि तुम आर्यन का किडनैप करवा के इतने महीनों से हम सबके साथ गेम खेल रही थी। मैं क्यों किडनैप करवाऊंगी भला? सोनिया, मुझे शुरू से सब पता था
कि तुम ही अपनी माँ के साथ मिलके ये घटिया प्लान बनाई हो ताकि अंतरा को इस घर से निकाल सको। आर्यन बेटा ये क्या बोल रहा है समीर, क्या ये सब सच है? सोनिया ने तुम्हारा किडनैप करवाया था? हाँ माँ, उस दिन जब हम रामेश्वरम जाने से पहले मैं मेडिसिन लेने पास के स्टोर पे जा रहा था। हेलो, ये क्या बदतमीजी है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, गाड़ी ऐसे चलाते हैं? आप आर्यन हैं, आरोही के भाई? जी बोलिए। आरोही, आपकी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई है, हम उसके दोस्त हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठिए, हमें मेडिकल कॉलेज पहुंचना है अभी। अपनी बहन किसी प्रॉब्लम में फंस गई है, ये सुनने के बाद कौन सा भाई आगे पीछे सोचेगा भला। आर्यन भी बिना कुछ पूछे या सोचे गाड़ी के अंदर चला गया और उसके पास बैठा आदमी एक झटके में आर्यन के मुंह पे कुछ स्प्रे किया, जिसके वजह से उसी पल वो अपना होश खो दिया। जब मैं होश में आया तब मैं एक बंकर में बंद पड़ा था, एकदम अंधेरा कमरा, आसपास कोई नहीं था। काफी देर तक चिल्लाता रहा मैं, पर शायद मेरी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। कोई है? कोई है यहाँ पे? हेलो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है? बहुत देर इंतजार करने के बाद दो आदमी आए और मुझे खाना देकर वहां से चले गए। उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। लाख कोशिश कर लिया मैंने, पर वो दोनों मेरी एक भी ना सुने। फिर बड़ी मुश्किल से रोते तड़पते हुए मैंने एक महीना बिता दिया उसी अंधेरे कमरे में। फिर एक दिन, ले तेरा खाना, तुम आज अकेले आए हो, तुम्हारा वो साथी नहीं आया, तुझे उससे क्या लेना देना, खाना खा और चुपचाप सो जा। मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कितने पैसे लोगे? चल हट, हमें तुझे छुपा के रखने के लिए ढेर सारे रुपए मिल रहे हैं, तू भिखारी हमें क्या देगा? कितना चाहिए तुम्हें? जितना मांगोगे उससे डबल दूंगा मैं। अच्छा तो 10 लाख? 20 लाख दूंगा मैं। चलो मुझे पहले ये बताओ कि किसके कहने पर मुझे यहाँ पे रखे हो तुम? मुझे उसका नाम नहीं पता, वो मेरा दूसरा साथी जानता है, मैं तो बस उसकी मदद करता हूँ। ठीक है, मुझे एक मोबाइल लाके दे सकते हो? और डरो मत, मैं यहीं पर पड़ा रहूँगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम मुझसे पैसे लेकर मेरी मदद कर रहे हो। हाँ, मोबाइल का इंतजाम तो मैं कर लूँगा, और जब तुम बोलोगे तुम्हें बाहर भी निकलवा दूंगा, पर मेरे पैसे, मेरा एक एक काम करते जाओ, पैसे तुम्हें मिलते रहेंगे, डोंट वरी। और आर्यन को फोन मिलते ही उसने सबसे पहले मुझे कॉन्टैक्ट किया और मैं उस गुंडे को पैसे भेजता रहा। और फिर एक दिन उन्हीं गुंडों से सुनने को मिला कि सोनिया की माँ मालविका रॉय ही इस किडनैप के पीछे है। मुझे माफ कर दीजिए समीर जी, मैंने हरगिज नहीं सोचा था कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। माफी? माफी तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी सोनिया, तुम इतनी नीचे गिर चुकी हो कि मेरे पेट में मेरे बच्चे को मारने की प्लान भी बना दी। क्या सोनिया ने तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को मार डाला? हाँ, मेरे साथ पूरा एक महीना अच्छे से बात की, दोस्ती बढ़ाई, फिर मुझे जूस में मेडिसिन मिला के दे दी। शुक्र है कि पापा मुझे सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचा दिए, नहीं तो मैं सच में अपने बच्चे को खो देती। खो देती मतलब बच्चा? इसका मतलब हमारा बच्चा सेफ है? हाँ बिंदु, बच्चा एकदम सही सलामत है, हमें तुम सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो सोनिया फिर से बच्चे को जान से मारने की कोशिश करती। मुझे माफ कर दे अंतरा, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। माफी? हरगिज नहीं अंतरा, और एक बात भी जान लो, उन गुंडों से पता चला कि सोनिया भाभी और इनकी माँ दोनों मिलके उन्हीं गुंडों के जरिए तुम्हारे दुकान में आग लगाए थे ताकि मैं IIM ज्वाइन ना कर पाऊँ और तुम्हारी फैमिली रस्ते पे आ जाए। हे भगवान, सोनिया मुझसे गलती हो गई, मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता,
प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सब। हरगिज नहीं, तुम्हें फिर से माफ करके हमें और दिक्कत नहीं झेलनी। समीर। हाँ माँ, ऐसी औरत को मैं हरगिज माफ करके मेरे साथ नहीं रख सकता। सोनिया, बेहतर होगा अगर तुम अपने आप यहाँ से चली जाओगी तो, नहीं तो आर्यन के पास जितने सबूत है वो तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को जेल भेज सकता है। उसी दिन सोनिया अपने किए पर शर्मिंदा होकर हमेशा के लिए मायका चली गई। सोनिया की माँ भी अब किसी को क्या बोल के समझाएगी, वो भी चुप रही। और अंतरा अपने अच्छे कर्म के लिए सबकी प्यारी बन गई। ससुराल में हर कोई अंतरा को बहुत प्यार करने लगा। कुछ ही महीनों में अंतरा को एक बेटा हुआ और उनके घर में खुशी दो गुना बढ़ गई। इसी तरह से अंतरा को काली कलौटी बोल बोल के परेशान करने वाले लोग हमेशा के लिए चुप हो गए और अंतरा एक रानी की तरह अपने ससुराल में रहने लगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।